हेलो एवरीवन मैं हूँ अपर्णा वेलकम टू अपना किचन आज मैं लाई हूँ साबुदाना की इमरती की रेसिपी तो आज हम इन्हें बनाएंगे बिना बेकिंग सोडा बिना पापड़ खार और बिना मशीन के तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप और अब मैं ले रही हूँ साबुदाना तो यहाँ पे मैंने सच्चा मोती वाला साबुदाना लिया है तो देखिए एक कप साबुदाना है तो इसे हम डाल देंगे इस बोल में और अब इसे थोड़ा सा वॉश करना है तो आपके पास जो भी साबुदाना है आप ले सकते हैं मोटा वाला या फिर ये छोटा वाला कोई सा भी ले सकते हैं और हम इसे अच्छे से अब धो लेते हैं अच्छे से मतलब एक दो पानी में इसे धो लेंगे बहुत ज़्यादा रगड़ के धोना नहीं है तो देखिए मैंने इसे धो लिया है अब यहाँ पे हम इसमें पानी डाल देते हैं तो पानी आपको जितना साबुदाना है तो उतना आपको पानी इसमें डालना है पानी साबुदाना के थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए तो अब हम इसे ढक के रख देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पे नहीं तो साबुदाना हमारा बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है तो अब इसे ढक के रख देंगे दो घंटे के लिए देखिए दो घंटे भी हो चुके हैं साबूदाना को चेक करते हैं तो देखिए साबूदाना में पानी बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से देखिए हमारे खिले खिले मोती दिख रहे हैं साबूदाना के जो दाने तो इसी तरह से साबूदाना आपको भिगोना है क्योंकि पानी आपको साबूदाना में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कुकर कुकर में हम उसी कप से साबूदाना जिस कप से लिया था उसी कप से हम इसमें पानी डाल देते हैं दो कप तो दो कप से ज़्यादा पानी आपको यहाँ पे नहीं डालना है तो ये वही कप है जिसे हमने साबुदाना लिया है तो साबुदाना और पानी आप एक ही कप से लें तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर देंगे और अब हम इसे ढक देंगे जिससे हमारा पानी जल्दी से बॉयल हो जाए तो अब देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक आधा टीस्पून तो नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे और नमक को मिक्स कर देंगे और यहाँ पे नमक मिक्स करने का मतलब यह है कि साबूदाना में अच्छे से नमक जो है मिक्स हो जाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें नमक मिक्स किया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना भिगोया हुआ साबूदाना तो इसको डाल देंगे अब देखिए मैंने सारा साबुदाना डाल दिया है कुकर में और अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि नमक साबुदाना एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम यहाँ पे इसकी लिड बंद कर देंगे और इसमें लगा देंगे सिटी और अब हम इसे गैस से हटा लेते हैं और अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ओवरनाइट तो आप इसे सात से आठ घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद हम देखते हैं तो देखिए हम अगले दिन इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए इस तरह से छोड़ दिया था अब देखिए यहाँ पे हम स्पून से चेक करेंगे तो देखिए हमारा साबुदाना बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है देखिए तो इसी तरह से हमारा साबुदाना बहुत अच्छे से भीग चुका है देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है मैश हो जा रहा है तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो देखिए सारा साबुदाना हमने एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है तो अब हम इसे क्या करेंगे पीसेंगे तो पीसना कैसे है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी स्टेप है आपको साबुदाना थोड़ा थोड़ा पीसना है क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है तो हम यहाँ पे दो बड़े चम्मच साबुदाना इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं और यहाँ पे मैंने ये बड़ा वाला जार लिया है मिक्सी का तो पहले तो हम इसमें पीस के देखते हैं तो अगर इसमें पीस जाएगा तो हम इसी में पीसेंगे वरना हम मिक्सी के छोटे जार में पीसेंगे तो अभी हम इसमें पीस लेते हैं तो इसका लिड बंद कर देंगे और यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें मिक्स करना है तो देखिए मैंने दो बार इसमें पीसा है चार चम्मच मैंने इसमें साबुदाना पीस लिया है अब हम छोटे जार में पीस के देखते हैं तो ये सारा साबूदाना हम ऐड कर देंगे इस छोटे वाले जार में क्योंकि बड़े वाले जार में पीसने में थोड़ी दिक्कत आई थी नहीं पीस रहा था तो आप यहाँ पे मिक्सी का छोटा जार लें पीसने के लिए तो हम अब इसमें पीस लेते हैं चलिए तो इसको चर्न कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है देखिए तो इस वाले जार में पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो आपको इसको रुक रुक के पीसना है तो देखिए आप इसमें ना पीस के इस छोटे जार में पीसें तो इसमें बहुत आसानी से ये पीस जाता है तो आप चलिए इस साबुदानों को निकाल लेते हैं इसी बॉल में तो आपको मिक्सी को रुक रुक, रुक के चलाना है एक साथ नहीं उसको चलाना है क्योंकि इसमें पानी नहीं मैंने डाला है तो पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए आप छोटे जार में ही पीसें और देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है अब मैंने यहाँ पे ली है प्लास्टिक सीट इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने इस पर लगा लिया है अब यहाँ पे ले लेंगे पॉलीथीन तो ये साबुदाना की पॉलीथीन है और ये सॉल्ट की है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है पाइपिंग बैग तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग है केक पे आइसिंग करने वाला तो उसका यूज आप कर सकते हैं नहीं तो आप नॉर्मल पॉलीथीन से भी बना सकते हैं तो हम बनाएंगे आज पाइपिंग बैग से तो देखिए इसमें मैंने इसका मिक्सचर भर लिया है अब यहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा सा निकाल के आप चलिए बनाते हैं इमरती तो देखिए इस तरह से आपको बनानी है इमरती एक इस तरह से छोटी सी चूड़ी बनानी है और इस तरह से इसके साइड साइड में ऊपर से राउंड राउंड कर देना है यहाँ पे कट कर देंगे एक इमरती बन चुकी है दूसरी भी इस तरह से बना लेते हैं तो मैं आपको दो तरह से इमरती बनाना बताऊँगी तो आपको जो भी पसंद है वैसे आप बना सकते हैं तो देखिए बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं एकदम फ्लावर जैसी लगती हैं दिखने में तो आप इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं तो देखिए ये मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको बनाने का पहले आप इस तरह से छोटी चूड़ी बनाइएगा फिर एक बड़ी चूड़ी और बीच में इस तरह से राउंड राउंड करके छोड़ दीजिएगा तो देखिए इस तरह से मैंने ये बना ली हैं तो इस तरह से मैं सारी बना लूँगी और फिर मैं इन्हें धूप में सुखा लूँगी तो आपसे मिलते हैं दो से तीन घंटे बाद तो देखिए यहाँ पे चार घंटे हो चुके हैं इन्हें सूखते हुए अब मैं इन्हें पलट दूंगी तो इस तरह से आप धूप में सुखा सकते हैं नहीं तो आप इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं तो अब इन्हें सूखने देते हैं मिलते हैं दो दिन के बाद तो देखिए दो दिन हो चुके हैं मैंने इन नीम मक्की को दो दिन सुखाया है धूप में बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं दिखने में तो चलिए अब इनको फ्राई करके देखते हैं ये अपने साइज़ की डबल ट्रिपल होती हैं नहीं तो देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावर जैसी लग रही हैं तो देखिए ऑयल को हमने हाई हीट पे गरम कर लिया है तो अब चलिए इमरती को फ्राई करते हैं फ्रेंड्स देखिए इमरती हमारी अपने साइज़ की डबल हो गई है तो इस तरह से बिना बेकिंग सोडा बिना पकाए बिना मशीन के इमरती बनाइए बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही जल्दी बन जाती है तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय